माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमान, मैं चूँकि किसान परिवार से आता हूँ और किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मैं अपनी बात मुख्य रूप से किसानों और खेतिहर मजदूरों के बारे में रखना चाहता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया है और कई तरह के वायदे किए हैं जो इस सरकार को पूरे करने हैं, लेकिन वे वायदे हमेशा की तरह खोखले साबित ना हों, इस पर तमाम विरोधी दलों के सदस्यों को शंका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार सदन के द्वारा इस देश के किसानों को पूरी तरह से आश्वस्त करे कि उनके हित में जो भी वायदे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा और समय के अंदर तमाम कार्य किए जाएंगे जिनका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किया गया है। सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि आज पूरे देश में किसानों, खेतिहर मजदूरों और कृषि की जो दुर्दशा है उसके ऊपर इस सदन में पिछले सत्र में चर्चा हुई थी और इस सत्र में भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आज यहाँ कहा गया कि जब एक लंबी चर्चा पिछले सत्र में हुई और बहुत सारे प्रश्नों के जरिए माननीय सदस्यों ने अनेक प्रश्न मंत्री जी से किए, तो फिर इस सत्र में बहस की आवश्यकता क्यों पड़ी? माननीय मंत्री जी ने पिछली बार इस बहस का उत्तर देते हुए कहा था कि भारत में जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं उनमें 16% किसानों की होती हैं जो अपनी मजबूरियों के कारण आत्महत्या करते हैं, किन्हीं खास परिस्थितियों में करते हैं। पिछले 10 साल में करीब 1 लाख किसानों ने अपनी समस्याओं से परेशान होकर आत्महत्या का रास्ता चुना है। यह भारत जैसे देश के लिए गंभीर चुनौती है और इसका मुकाबला करने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने प्रयास किए। हमारे प्रधानमंत्री जी विदर्भ के दौरे पर गए थे जहां सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की। 30 जून और 21 जुलाई की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी ओर से कुछ सहायता महाराष्ट्र के 6 जिलों के किसानों के लिए दी। श्रीमान जी, मुझे खुशी है कि विदर्भ के उन 6 जिलों की तरफ प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का ध्यान गया जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं और 700 करोड़ रुपए सब्सिडी या राज्य सहायता के तौर पर किसानों के ऊपर जो कर्ज है उसके ब्याज के लिए भारत सरकार की ओर से एक विशेष पैकेज के रूप में दिए गए। वहाँ पर बांधों का निर्माण हो, सिंचाई का इंतजाम हो, इसके लिए 8 करोड़ रुपए का इंतजाम भारत सरकार ने किया। लाखों खबरों के बजाय जिस समय प्रधानमंत्री वहाँ से किसानों को यह पैकेज देकर आए, ऋण देने के तुरंत बाद उसी दिन वहाँ 2 किसानों ने आत्महत्या की। वहाँ आज भी किसान आत्महत्या करते हैं। भारत सरकार ने
अपनी ओर से कार्यकारी दल बनाया। उसमें हिंदुस्तान के कुल 31 जिले हैं, जिनमें से अधिकांश 17 जिले मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को दी जाने वाली सहायता महाराष्ट्र को दी गई सहायता से आधी है। सभापति जी, इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदुस्तान के अन्य 600 जिलों के जो भी किसान हैं वे खुशहाली में हैं, उनको किसी पैकेज या सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार यह चाहती है कि उत्तरी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में फैले सभी क्षेत्र जहां के किसान तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी आत्महत्या नहीं करते हैं, उन्हें कोई सहायता ना दी जाए। जहां के किसान आत्महत्या करते हैं उनको पैकेज देकर क्या भारत सरकार यह संदेश देना चाहती है कि यदि आपको हमारे पैकेज की आवश्यकता है तो आत्महत्या के रास्ते पर चलो, तब हम तुम्हारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए पैकेज देंगे। यदि भारत सरकार इस तरह का संदेश चाहती है तो मैं समझता हूँ कि यह गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। महोदय, हिंदुस्तान के सभी किसानों की समस्याएं करीब करीब एक ही हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे देश की योजनाओं, हमारे देश की आर्थिक तरक्की में खेती का योगदान निरंतर घट रहा है। देश की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी उसमें खेती का योगदान 56% था और वर्ष 2012 में यह योगदान घटकर 24% तक नीचे आ गया। अब अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना के सही आंकड़े आ जाएंगे तो यह पता चलेगा कि यह योगदान घटकर 16-20% के बीच रह गया है। अभी भारत सरकार के योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र प्रस्तुत किया है, यदि उसका ठीक अध्ययन किया जाए तो उन्होंने इच्छा तो व्यक्त की है कि हमारे देश की आर्थिक तरक्की 8% के हिसाब से होनी चाहिए। जब तरक्की 8% के हिसाब से हो तो उसमें कृषि का योगदान कम से कम 4% के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन उसी समीक्षा में हम यह पढ़ते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में खेती का योगदान 3% के हिसाब से आर्थिक तरक्की में गिना गया था, वह अब घटकर केवल 2% पर रह गया है। कुछ ऐसे वर्ष में भी निकले जब हमारे देश की कृषि की प्रगति विपरीत दिशा की ओर चली गई। ऐसा क्यों हुआ? इसको स्पष्ट करना आवश्यक है कि जिस देश की 2/3 आबादी खेती पर निर्भर करती है, जिस देश की आबादी का 60% आदमी कृषि पर निर्भर है, 11 करोड़ से अधिक खेतिहर मजदूर रहते हैं, उस देश की पैदावार क्यों घटती चली गई? यह बात मेरी समझ से परे है। देश में पर्याप्त वर्षा हुई है, प्रकृति ने हमारा साथ दिया है, फिर क्या कारण है कि हमारी कृषि आमदनी में अपेक्षित वृद्धि होने के बजाय लगातार घट रही है और किसान बर्बाद हो रहा है, जो देश के करोड़ों लोगों के लिए अन्न पैदा करता है?
उसकी लगातार दुर्दशा हो रही है और व्यापारी और अधिकारी संपन्न हो रहे हैं।